बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। आप देख रहे हैं इजी कुकिंग और मैं हूँ मरियम अकबर, और आज बना रहे हैं हम कच्चे कीमे के बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से कबाब की रेसिपी। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। कीमा लिया है मैंने बीफ का, और मैंने इसको बारीक सा चॉपर में दो दफ़ा पीस लिया। ये देखिए बहुत बारीक है। इसमें डालेंगे हम एक प्याज, इसे मैंने चॉप कर लिया, इसका पानी रिंस कर दिया है। एक चम्मच है सब्ज़ मिर्ची और दो चम्मच है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब शामिल करेंगे हम इसमें दो चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर मैं टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। कॉर्नफ्लावर डालने से हमारे कबाब में बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। एक चम्मच डाल रही हूँ मैं जीरा पाउडर, एक चम्मच डालेंगे सूख मिर्च का पाउडर, एक चम्मच डालेंगे हम इसमें नमक, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, हाफ चम्मच डालेंगे हम इसमें ब्लैक पेपर, हाफ चम्मच डालेंगे हम रेड फ्लेक, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कीमे में। जितना आपका कीमा अच्छी तरह से मिक्स होगा, मसाले अच्छी तरह से मिक्स होंगे, उतने ही अच्छे आपके कबाब तैयार होंगे। हमारे कबाब तैयार होंगे इतने ज़बरदस्त, इतने मज़ेदार, ऊपर से होंगे क्रिस्पी और अंदर से जूसी और सॉफ्ट। अब हम शामिल करेंगे इसमें दो चम्मच क्रीम। क्रीम से हमारे कबाब जो है वो सॉफ्ट भी बनेंगे और इसमें इसका बहुत अच्छा सा टेक्सचर भी आएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन क्रीम डालने से हमारे कबाब जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट से बनेंगे। कीमे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और अब लगा रही हूँ मैं हाथों पे ऑयल, और अब बनाएंगे हम कबाब। कबाब अपनी मर्जी से शेप इसकी बना सकते हैं आप जैसा चाहें। ये जितने चिपटे और पतले बनेंगे उतने ही अच्छे होंगे। आप अपनी मर्जी से इसकी शेप को भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको बहुत पतला सा ऐसे कर लिया है, इसका कबाब बना लिया है। पैन लिया है, पैन में डाला है मैंने घी, और घी हमारा गर्म हो गया है तो इसमें डालेंगे अब हम कबाब। आंच आप स्लो रखिएगा, अगर आप तेज आंच पे बनाएंगे कबाब फ्राई करेंगे तो आपके कबाब जल्दी गोल्डन हो जाएंगे, लेकिन वो अच्छी तरह से पकेंगे नहीं। आंच आप स्लो रखिएगा। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, और ये देखिए माशाल्लाह से हमारे कबाब जो हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और चटपट बनने वाले कबाब हैं, टेस्ट इनका बहुत ही अच्छा बनता है, आप भी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। जी व्यूअर्स, कबाब हो गए हैं हमारे तैयार, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इनका, खाने में इतने सॉफ्ट, इतने मज़ेदार, आप भी ट्राई करिएगा और फिर मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी कबाब की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल इजी कुकिंग को, और साथ लगी घंटी के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।